हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू शो रील। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं बॉलीवुड की कुछ ताजा खबरों के साथ। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कल एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे कुछ पाकिस्तानी कलाकार सामने आए हैं। एक कलाकार ने तो कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर किसी भी भारतीय को गुस्सा आ जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म में काम कर चुकी एक्ट्रेस माहिरा खान ने ट्वीट करके दुख जताया है। माहिरा खान ने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो के ट्वीट पर कमेंट किया। माहिरा खान ने लिखा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, लोग युद्ध को चेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही माहिरा के अलावा मारवा हुकेन पाकिस्तानी एक्टर हमजा अली अब्बासी ने भी ट्वीट कर पाकिस्तान का पक्ष लिया है, जिसे देख किसी भी भारतीय को गुस्सा आना लाजमी है। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद तिलमिलाए पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है। फवाद चौधरी ने लिखा, सिनेमा एग्जीबिशन एसोसिएशन इंडियन कंटेंट का बहिष्कार करता है, कोई भी भारतीय फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलरिटी अथॉरिटी ने भारत में बने विज्ञापनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बॉलीवुड के मसीहा और बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले सलमान खान ने एक बार फिर बॉलीवुड में दो नए चेहरों को लॉन्च किया है। जी हां, इस बार फिल्म नोटबुक से उन्होंने एक नई जोड़ी को लॉन्च किया है, जो है जहीर इकबाल और प्रनूतन बहल। आपको बता दें कि प्रनूतन वेटरन एक्ट्रेस नूतन की पोती है और एक्टर मोहनीश बहल की बेटी है। आपको बता दें बीते दिनों ही इस फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, जो लगभग 3 मिनट का है और इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। प्रनूतन ने बताया कि उन्हें स्टार किड होने का जरा भी फायदा नहीं मिला है। स्टार किड होने के नाते उन्हें अपने संघर्ष को भी बताया। प्रनूतन ने बताया कि नोटबुक से पहले उन्होंने 2-2.5 साल तक कई फिल्मों के लिए ऑडिशन दिया है, लेकिन किसी भी फिल्म के लिए उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा, ऑडिशन के दौरान मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं जानी मानी अभिनेत्री नूतन की पोती हूँ और न ही कभी पापा मोहनीश बहल का जिक्र किया। नोटबुक में अपने ऑडिशन के बारे में बताते हुए नूतन ने आगे कहा कि अपनी डेब्यू फिल्म नोटबुक के लिए मैंने 5 घंटे का लंबा ऑडिशन दिया था। मेरे ऑडिशन के बाद भी कई लड़कियों के लिए ऑडिशन चालू थे, तकरीबन 80 से 100 लड़कियों ने ऑडिशन दिए थे। इस सभी में फिल्म के निर्देशक नितिन कक्कड़ ने मुझे चुना था। नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी फिल्म नोटबुक का ट्रेलर करीब 3 मिनट का है। बिपाशा बासु की बहन विजेता बासु ने भी अब अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलकर अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। जी हां, आपको बता दें कि विजेता ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड करण तलरेजा से शादी की। आपको बता दें कि दोनों ने पहले तो बेहद सादगी भरे अंदाज में कोर्ट मैरिज की और उसके बाद एक रॉयल रिसेप्शन पार्टी थ्रो की गई। प्लीज टेक अ लुक। शादी की तस्वीरों में बिपाशा अपनी बहन को तैयार करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एक तस्वीर में विजेता और करण जयमाला पहने भी नजर आ रहे हैं। कोर्ट मैरिज के दौरान बिपाशा और उनके पति करण सिंह ग्रोवर विजेता के साथ थे। बिपाशा ने बहन के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरी छोटी गुड़िया शादी के लिए तैयार होती हुई। बिपाशा ने विजेता की बैचलरेट पार्टी की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। रिसेप्शन में विजेता ने लाल रंग की साड़ी पहनी है और पारंपरिक तरीके से सजी संवरी है। वहीं बिपाशा बासु ने पीच कलर का लहंगा पहना है और उसके साथ ही टाइट बन के साथ मांग टीका और नेकलेस पहने बिपाशा बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिपाशा को देख ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी बहन की शादी में खूब एंजॉय किया है। बसु फैमिली ने आलिशान शादी की जगह सादगी से शादी करने का फैसला लिया, इसी वजह से इस शादी में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मौजूदगी नहीं दिखाई दी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने इसका बदला लेते हुए एयर स्ट्राइक की। इसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी तो चल ही रही थी, पर इसके साथ ही सेलिब्रिटीज भी कमेंट कर रहे थे। आपको दिखाते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ जब परेश रावल ने पाकिस्तानी कलाकार अली जफर को आड़े हाथ लिया। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दरअसल पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश को संबोधित किया था, जिसके बाद अली जफर ने इमरान खान की तारीफ करते हुए लिखा, व्हाट अ स्पीच। अली जफर ने यह ट्वीट 19 फरवरी को किया था। अली जफर के इस ट्वीट के बाद परेश रावल ने अब तंज कसते हुए कहा कि नाउ स्पीचलेस। परेश रावल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और हर मुद्दे पर राय रखने के लिए जाने जाते हैं। अब जब एक पाकिस्तानी कलाकार ने ऐसी टिप्पणी की तो परेश रावल ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया।
सुपर हिट हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री में काम कर चुके राजकुमार राव एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं। जी आपको बता दें, राजकुमार राव एक बार फिर से एक हॉरर कॉमेडी फिल्म में काम करने जा रहे हैं। ये फिल्म दिनेश विजन और फुकरे के डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा दोनों मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। प्लीज टेक अ लुक। ये दोनों पहली बार साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर, लीड एक्ट्रेस और बाकी कास्ट अभी तय नहीं हुई है, पर जल्द ही इस पर भी खुलासा हो जाएगा। फिल्म में राजकुमार राव के अलावा इस फिल्म में फुकरे फेम वरुण शर्मा भी नजर आने वाले हैं। वरुण शर्मा फुकरे में चूचा के किरदार से काफी हिट हुए थे। फिल्म में राजकुमार राव के ऑपोजिट लीड रोल में कौन सी एक्ट्रेस नजर आने वाली है, ये भी अभी तक साफ नहीं है। राजकुमार की ये दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी। इस फिल्म के अलावा राजकुमार राव दिनेश विजन के साथ मेड इन चाइना में भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म में राजकुमार राव के ऑपोजिट मोनी रॉय अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी बॉलीवुड की कुछ रीसेंट अपडेट्स। और जिस तरह से पूरे देश का माहौल गरमाया हुआ है, एक बार कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। उनके ट्वीट से, उनके प्रोफाइल्स पे हम लगातार इंडिया की तरफदारी करते हुए देख सकते हैं और पाकिस्तानी एक्टर्स पर जमकर जो है बमबारी हो रही है, जुबानी हमले किए जा रहे हैं। अगर आप इसी तरह की खबरें देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आप लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/mpnewstv.com पर। Till then, take care and bye-bye.